इसराइल हिजबुल्ला युद्ध के बीच मिडिल ईस्ट का लाल सागर हूती के हमलों से उबल रहा है। हूती ने इस पूरे इलाके में इसराइल और अमेरिका से जुड़े जहाजों की इस कदर नाकाबंदी की है कि अब उनका इन रूट से निकलना मुश्किल हो गया है। हूती के लड़ाके गिद्ध बनकर इसराइल और अमेरिकी जहाजों पर घात लगाकर बैठे हैं और जैसे ही इस रूट से ये जहाज निकलते हैं वैसे ही हूती उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर देता है। अमेरिका ने हूती को रोकने के लिए अपने सबसे ताकतवर बॉम्बर B-2 को भी उतारा, लेकिन हूती के हमलों में कोई कमी नहीं आई। हूती का साफ कहना है कि जब तक इजराइल गाजा और लेबनान में जंग नहीं रोकता तब तक लाल सागर में वो मालवाहक जहाजों और युद्ध पोतों को निकलने नहीं देगा, लेकिन अब हूती लाल सागर से आगे बढ़कर हिंद महासागर और अरब सागर तक पहुंच चुका है। दरअसल हूती ने एक साथ लाल सागर और अरब सागर में 3 हमले किए हैं। खुद हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहा सारी ने इसकी जानकारी दी है। हूती का कहना है कि उसने अरब सागर में SC मॉन्ट्रियल जहाज पर 2 ड्रोन अटैक किए। वही इसी इलाके में मार्क्स कोलून जहाज पर एक क्रूज मिसाइल फायर की। वही तीसरा हमला बाब अल मंदेब स्ट्रेट में हुआ जहां पर हूती ने मोटेरो जहाज पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। दरअसल हूती का कहना है कि इन जहाजों की कंपनियों ने कब्जे वाले फिलिस्तीनी बंदरगाह में एंट्री पर लगे बैन का उल्लंघन किया था, इसलिए इन जहाजों पर हमला किया गया। वहीं हूती से पहले ब्रिटेन की यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन एजेंसी ने कहा था कि उसे यमन के मोखा से करीब 46 किलोमीटर की दूरी पर हमले की जानकारी मिली थी। वहीं एजेंसी एम्ब्रे का कहना है कि इस हमले में तेल टैंकर का स्टारबोर्ड वाला हिस्सा प्रभावित हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हूती के पॉलिटिकल ब्यूरो के सदस्य दैफ अला अल शामी ने हाल ही में गाजा को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अगर हमें फिलिस्तीनी बॉर्डर तक जाने की अनुमति मिले तो हम सभी फिलिस्तीन में जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। जंग के मैदान तक पहुंचने में यमन के लोगों के सामने सिर्फ भौगोलिक बाध्यता है।